बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद नाइमा के साथ नाइमा खान हाज़र है। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे भले होंगे, हमेशा शादो आबाद और खुशो खुरम रहें, आमीन। जी नाज़रीन, आज मैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाने जा रही हूँ। जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैं ये बाउल ले रही हूँ, इस बाउल के अंदर ये तमाम चीज़ों को ऐड कर रही हूँ मैं। एक कप मेरे पास पालक है और ये बैंगन ऐड कर रही हूँ, हाफ कप बैंगन है, हाफ कप आलू है, हाफ कप प्याज है, दो अदद हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। तो नाज़रीन, मेरे पास ये हाफ कप बेसन है, दो खाने के चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, दो से तीन चम्मच, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। जी नाज़रीन, मेरे पास ये सूखा धनिया है, इसको भी मैं रेसिपी के अंदर ऐड कर रही हूँ। जी नाज़रीन, ये इसको मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ये देखें, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये हमारा जो मिक्स वेजिटेबल का बैटर है ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। जी नाज़रीन, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा जो है वो गरम हो चुका है और अब हम इसके अंदर पकौड़े ऐड करेंगे। पकौड़े जो है नाज़रीन, चम्मच के साथ नहीं डालने चाहिए ऑयल के अंदर, क्योंकि वो चम्मच के साथ डालने से थोड़ा ना उनकी शक्ल जो है वो गोल मटोल सी बन जाती है। जी नाज़रीन, पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए कितने गोल्डन लुक आ रही है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े बनाए हैं जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये रेसिपी जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ख़ुद भी बनाएं, ट्राई करें, इंजॉय करें। जी नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली रेसिपी के साथ नाज़रीन फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।